हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के बागमूसा मोहल्ले में संचालित एक सरकारी मेडिकल स्कूल की एक सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षिका का गुस्सा जरा सी बात पर सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिस उसके बाद उसने विद्यालय में पढ़ने वाली तीन छात्राओं को उस कदर पीटा कि दो छात्राएं बेहोश भी हो गई। टीचर के पिटाई से घायल तीनों छात्राओं ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है और वहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल छात्राओं का नाम खुशीमाला, आरती कुमारी और आरती कुमारी ही है और घटना के बाद स्कूल में तनाव व्याप्त है। बताया जा रहा है कि बागमूसा मोहल्ले में संचालित एक सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली छात्र राखी कुमारी की चप्पल टूट गई थी और वो अपनी चप्पल बदलने घर चली गई थी। चप्पल बदलकर जब वो क्लास में वापस लौटी तो टीचर रानी देवी ने उसे काफी भला बुरा कहा और उसके साथ ही जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो टीचर उसके ऊपर टूट पड़ी और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। अपनी सहेली को पिटता देखकर बीच बचाव में आई खुशीमाला और आरती कुमारी आगे आई तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया और टीचर रानी देवी ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों छात्राएं बेहोश हो गई।